सेवरलेट बीट है फ्रेंड्स डीजल, और ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, पिकअप प्रॉब्लम एंड स्मोक प्रॉब्लम। गाड़ी का मैं ट्रायल लेके आया हूँ, लेकिन गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग ट्रबल कुछ नहीं है। गाड़ी को करते स्टार्ट, अब सेल में बेंस गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी हाफ सेल में स्टार्ट है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी चलाते तो परफेक्ट चलती है, लेकिन जो जो पिकअप होना चाहिए वो नहीं है इस गाड़ी के अंदर। तो कस्टमर ने थोड़े समय पहले कुछ काम भी करवाया हुआ है, लेकिन हमने ट्रायल मार के चेक किया है, तो इस गाड़ी के अंदर फ्रेंड्स जो टर्बो का जो बूस्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आपको दिखाता हूँ टर्बो वर्क करता है या नहीं करता है। तो किस तरीके से चेक करते हैं फ्रेंड्स, टर्बो को चेक करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करना रहता है हमें, और जो ये बीट डीजल है इसके अंदर यहाँ पे जो ये होस है एयर क्लीनर वाला, उसको हम निकालते हैं और यहाँ से हम चेक करते हैं उसके अंदर जो प्ले है कि कुछ है क्या नहीं है। तो ये खोलना पड़ेगा हमें। तो फ्रेंड्स ये हमने निकाल लिया होस, और यहाँ पे टर्बो रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये टर्बो फ्रेंड्स घूमना चाहिए, तो इसके अंदर तो प्ले ब्ले कुछ नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये टर्बो जाम हो चुका है, घूमता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो गाड़ी को करते स्टार्ट और आपको मैं दिखाता हूँ टर्बो घूमता या नहीं। तो गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। गाड़ी स्टार्ट है फ्रेंड्स, और यहाँ पे टर्बो घूमता ही नहीं है। तो ये एकदम हार्ड घूम रहा है फ्रेंड्स, घूम तो रहा है लेकिन एकदम फ्री होना चाहिए ये। तो ये टर्बो फेल है फ्रेंड्स, इसलिए गाड़ी पिकअप नहीं कर रहा है। गाड़ी 50-60 तो स्पीड जाने जाते थक जाते हैं, गाड़ी जाता ही नहीं, टॉप पड़ता ही नहीं, गाड़ी का पिकअप है ही नहीं। तो ये टर्बो फेल है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ट्राई किया दिखाने का। ज़्यादातर टर्बो के अंदर हिलता है, इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जाम है ऐसा प्रॉब्लम कभी आता है। तो इसके अंदर प्ले नहीं, लेकिन टर्बो पूरा जाम हो चुका है, और एक बार रिपेयर भी करवाया कस्टमर ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर। टर्बो का काम है फ्रेंड्स इंजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर को भेजना। तो ये जो कोर है वो घूमता ही नहीं है, तो वैक्यूम करेगा नहीं और इंजन को एयर पहुँचाएगा नहीं, तो एयर ज़्यादा मिलता नहीं है, तो फायर बढ़िया होता नहीं है और गाड़ी के अंदर पिकअप होता नहीं है। तो ये पिकअप और स्मोक का प्रॉब्लम ये टर्बो चार्जर ही है, और टर्बो चार्जर अगर फेल रहेगा तो भी कितना आरपीएम घूमता है, मैं एक पुराना वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसका आरपीएम कितना रहता है और कितना फ्री घूमना चाहिए टर्बो। फेल है फिर भी, और फेल होने के बहुत सारे रीज़न है, उनमें से एक है ये प्ले होना और ऑयल निकालना। टर्बो का जो कोर है फ्रेंड्स वो घूमता नहीं है, तो वैक्यूम तो नहीं होगा, एयर तो नहीं मिलेगा इंजन को, लेकिन जो एग्जस्ट होना चाहिए वो भी नहीं निकलेगा सही तरीके से, तो पिकअप के अंदर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इस गाड़ी के अंदर जो टर्बो चार्जर का जो कोर एकदम जाम हो गया है, तो वो एग्जस्ट को भी बाहर निकालने में दिक्कत करता है, तो इसकी वजह से भी पिकअप का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। कार का टर्बो है फ्रेंड्स ये, टर्बो के अंदर जो हिला रहे वो कोर है, वो कोर के अंदर प्ले नहीं होना चाहिए, और वो प्ले हो चुका है, तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल पिकअप नहीं है फ्रेंड्स, और स्मोक भी दिखाई दे रही है। टर्बो जब फेल होता है तो पिकअप और स्मोक का इश्यू आता है, क्योंकि जो घूमना चाहिए वो कोर घूम नहीं सकता है, तो एयर इंजन को पूरी तरीके से मिलता नहीं है, और ये यहाँ से सील लीकेज हो जाते हैं, तो ऑयल भी इंजन के अंदर चला जाता है, तो साइलेंसर से स्मोक दिखाती है, तो ये प्ले नहीं होना चाहिए।
रिसेंटली शॉर्ट पुट हुआ।